नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। आज मैं थोड़ा और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। मैं जो एक्सपेरिमेंट करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज का जो एक्सपेरिमेंट का मैटर है वो आपको इसका वीडियो का नाम देख के पता चल रहा है शायद, वेस्टेज कॉटन। वेस्टेज जो कॉटन होता है वो भी सोर्स ऑफ बहुत सारे का न्यूट्रिशन उसमें रह जाता है। और ये एक पेड़ का भी फल है, उसके फल का भी भीतर से पूरा कॉटन को कलेक्ट करके फिर उसको यूजेबल लिया जाता है। तो मेरा ये छोटा सा एक लैब है जहाँ पर मैं भी मशरूम का प्रोडक्शन करने के लिए जो स्पॉन मेकिंग का ज़रूरत होता है तो उसका मैं यहाँ पर स्पॉन मेकिंग चलता है। तो इसी कारण में मेरा जो लैब है वहाँ पर बहुत सारा कॉटन का जो यूजेज होता है वो फेंका भी जाता है बहुत कॉटन, क्योंकि बहुत सारे कामों में जो वेस्टेज कॉटन होता है। तो मैंने क्या किया, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ रिजल्ट। ये देखिए, ये है रिजल्ट। ये पूरा का पूरा कॉटन है, ये सिर्फ कॉटन है, इसके साथ मैंने कोई न्यूट्रिशंस भी नहीं लिया। आप अच्छे से देख सकते हो, ये जो है पूरा का पूरा कॉटन है और ये फ्रूटिंग यहाँ से निकला हुआ है पूरा लेके, ये अच्छा फ्लैश मारा है। देखो, इसका एक बड़ा वर्सन भी मैं करने वाला हूँ जो डेट प्रिपरेशन, वो आपको बाद का जो वीडियोस है उसमें ज़रूर मैं दिखाऊंगा। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये एक फ्यूचर में जो भी वेस्टेज कॉटन होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में वेस्टेज कॉटन होता है, पैकेजिंग सिस्टम में भी वेस्टेज कॉटन का बहुत यूज है, जो सिर्फ सिंगल टाइम वन टाइम यूज होता है। तो हम लोग इजीली उस कॉटन को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एज ए सब्स्ट्रेट ऑफ मशरूम्स, जो डिलीशियस मशरूम्स यहाँ से भी निकल सकता है। तो इसका मैं बड़ा वर्सन भी एक बनाने वाला हूँ जो बेल टाइप का भी होगा। मैं और कुछ गैदर कर रहा हूँ और भी एक चीज़ गैदर कर रहा हूँ, जो सिगरेट का फिल्टर होता है उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब उसको रिफाइन करना पड़ता है, वो भी एक मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो खाने वाला मशरूम उसमें से नहीं निकलेगा। उसमें से भी हम लोग पैकेजिंग सिस्टम में उसको डाल सकते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी अभी भी रिसर्च चल रहा है, मैं भी कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि ये एक अच्छा रिजल्ट है और इसको मैं सेव भी दे सकता हूँ कुछ भी टाइप का। और अगर आपके पास ऐसा कोई वेस्टेज कॉटन हो तो आप भी यूज़ कर सकते हो ये। और ये तो गया कॉटन के बारे में। और एक चीज़ है, मैं और एक चीज़ बनाया था कुछ दिन पहले, ये है पूरा का पूरा जो है वुडन डस्ट। इसका भी पहले एक बार फ्लैश आ चुका है, उसके बाद फिर से देखिए फ्लैश आ रहा है। और ये करीब करीब एक साल पुराना है, ये एक साल पुराना स्पॉन है। इसका भी अभी भी जो मतलब इसका जो अंदरूनी जो भाग है बहुत ही स्ट्रांग है, इसको भी मैं बेड बना सकता हूँ। ये बहुत ही लो कॉस्ट एक बजट हो सकता है, लो कॉस्ट नेक्स्ट फ्यूचर में जा सकते हैं। देखिए, हम लोग बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो ये हम लोग भी गेहूं का ही ज़्यादा का सारा स्पॉन कर रहे हैं, ये सिर्फ दो दिन पहले इसको इनोकुलेशन किया है, अभी गेहूं का ही करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसा आ गया है कि गेहूं का स्पॉन ही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ये दिस दैट जो भी हम सोच रहे हो, बहुत लोग यही सोचते हैं। पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि सब्स्ट्रेट कोई भी हो सकता है, इसको क्यों स्पॉन बोलते हैं इसके बारे में पूरा मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, बहुत कैटेगरी का स्पॉन होगा, स्पॉन के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मगर मैं एज पर माई एक्सपीरियंस मैं सोचता हूँ कि गेहूँ एक सिर्फ सब्स्ट्रेट एक मीडियम होता है जो हम लोगों को ट्रांसफर करने में
ये आसानी होता है क्योंकि गेहूं का जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशंस तो होता ही है, ऐसे ही न्यूट्रिशंस हम लोग धान भी, ज्वार, बहुत सारा भुट्टा, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं एज ए आपका जो स्पॉन। मगर इससे आपका प्रोडक्शन में क्वालिटी का इश्यूज मुझे तो नहीं लगता है नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका जो ये स्पॉन है उसका जेनरेशन बहुत हो गया है, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से जो भी है, तो आपका वो एक प्रोडक्शन में एक थोड़ा बहुत मतलब डिफिकल्टीज दे सकते हैं। मगर आप, मैं जैसे करता हूँ लिक्विड स्पॉन, तो लिक्विड स्पॉन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो लिक्विड जो कल्चर होता है उसको मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, डायरेक्ट पुश कर देता हूँ यहाँ पर। और एक चीज़ है, और ये और एक है जो इसके बारे में भी बहुत डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, इसको खोल के भी आपको दिखाएंगे जब यूज़ करेंगे। इसको कहते हैं पिन स्पॉन, इसके अंदर पूरा पिन आपको शायद दिखाऊंगा, वीडियोस में दिखाऊंगा इसके बारे में, पिन स्पॉन भी होता है। तो स्पॉन के बारे में एक अलग सा पूरा डिटेल्स वीडियोज मैं बनाऊंगा, तो अभी के लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरा काफ़ी अच्छा लगा ये एक्सपेरिमेंट करके। अगर आप के पास कोई वेस्टेज कॉटन हो जो अनयूज्ड है तो आप भी ज़रूर ये करिए। ये मैं छोटा वर्जन लिया हूँ, बहुत ही जल्दी बड़ा वर्जन भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मशरूम के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार।